अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस हम यहाँ पर कहाँ दिख रहे हैं अब आपको, तो सना की शादी का व्लॉग मैंने इससे पहले डाला था, मेरी भतीजी का, तो अभी उसके 2 दिन बाद का ये व्लॉग दिख रहा है। और ये आई हुई है बारात, जो हमारे भतीज दामाद था उनके भाई की, तो बस उनका थोड़ा बहुत सीन है यहाँ पर। ये बारात ही आई हुई है गली में, और जहाँ वो शादी हॉल था उसके बाहर है। तो ये हम उस बारात में ही गए हुए हैं, लेकिन हम उस बारात से पहले ही पहुंचे हुए हैं अंदर। तो हमारा तो देखिए बारात आ चुकी है बंटी की। तो यहाँ पर बारात आ रही थी और हम जो है बारात में ही हैं शामिल, लेकिन हम पहले अंदर जा चुके हैं, बारात पीछे से आ रही है। हमें तो बारात के तरफ से बुलावा था, तो जो कि वो है भाई, और हमारे ही घर के पास में बारात आ रही थी, तो हम पहले तो यही शामिल हुए हैं। तो बाद में हमें वलीमा मिलेगा आपको दोनों का एक ही, तो वो वलीमे की मैं आगे वीडियो डालूंगी। तो यहाँ हम थोड़ी सी देर के लिए गए थे, तो यहाँ पहले बारात आ जाएगी और फिर उसके बाद में हम अंदर थोड़ी सी देर बैठे भी थे, तो यहाँ हम अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ सब हैं पीछे। तो ये देखिए पीछे का बहुत बड़ा ग्राउंड था, बहुत ही ज्यादा बड़ा। ये पीछे का वही दिख रहा है ग्राउंड, और ये इतना बड़ा शादी हॉल था, कहीं खाने का था और कहीं बैठने उठने का था। सर्दी बहुत है, जो कि ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कोहरा पड़ा हुआ है, तो जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी बारात नहीं दिख रही है। मैं आ रही हूँ लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मैं ही आ रही हूँ, और हस्बैंड भी थे जब शादी में आए हुए तो साथ में। तो बस यहाँ पर देखिए कितना कोहरा पड़ रहा है, और तो यहाँ मैं आके दिखा रही हूँ पास से, तो थोड़ा सा लाइटों में दिख भी रहा है और पीछे का बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ हमें सना मिलेगी, क्योंकि वो भी बारात में आई है अपने देवर के, तो यहाँ ये बारात में आके बैठी हुई है शादी हॉल में, और मुझे फिर ये यहाँ मिली गई है। तो हम सब पहुंच ही चुके थे, क्योंकि यहाँ पर हमारी सना की अम्मी है, सब है, हम में अमान है, मेरे हस्बैंड, तो हम जा चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए बारात की भी कुछ खड़े हुए हैं लेडीज है और फोटो क्लिक हो रहे हैं ये हमारे साथ, और हमारे भतीज दामाद और हमारे भतीजे, तो ये सब सना के देवर की बारात के दिन है। तो यहाँ बस फोटो खींच रहे थे हमारे अंदर, और हम तो पहले से ही जा चुके थे। तो यहाँ अभी बारात आ गई है अंदर, पहले बाहर थी रोड पर, बल्कि बाहर, तो अब आ गए हैं हॉल के अंदर। अब हॉल के अंदर है, आ चुके हैं और जो आगे की तरफ जा रहे हैं, हॉल में बारात जानी है, ये सब बारात के साथ ही आए हुए हैं, तो अंदर आ चुके हैं ये सब। और अंदर भी
पूरे मतलब ढोल के साथ ही आए थे, बारात आई हुई है और ये स्टेज की तरफ को दूल्हा जाएंगे, तो थोड़ी देर तो यहाँ लगी जाती है, थोड़ी सी देर बीच में, और हम भी बैठे हुए हैं यहाँ साइड में, सर्दी बहुत थी तो हम तो थोड़ी सी देर को बाहर निकले थे और फिर अंदर ही हॉल में आ जाते थे, और ये सब आए हुए हैं साथ में जो के खड़े हुए हैं बारात के। तो ये देखिए आगे स्टेज जा रहा है और स्टेज पर कुछ जा रहे हैं सब, तो यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद में निकाह होगा और लोग बैठ जाएंगे, कुछ खाने पे जाएंगे, इस तरह था। और हम खाली सभी का इंतजार ही कर रहे थे कि बहुत लोग जो हमारे सब हैं बारात में आएंगे और हम भी बारात में थोड़ी सी देर बारात के साथ ही गए थे, लेकिन बारात बहारें चढ़ रही थी और ढोल के साथ, तो हम अंदर बैठे हुए इंतजार कर रहे थे सना के साथ। तो ये सना है, देखिए सना के आज का वलीमे का, आज की बारात का भाई वलीमे का नहीं है, जो कि बारात आई है 2 दिन बाद उनके यहाँ, तो बस बंटी की बराती है। तो देखिए कैसी थोड़ा पड़ रहा है, वही मैं दिखा रही हूँ चारों साइड को, अगर आप देखेंगे तो लाइटें भी नजर नहीं आ रही हैं, और ज्यादा टाइम भी हुआ नहीं है कि बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है। तो कुछ लोग इधर जा रहे हैं खाने की तरफ, कुछ आ रहे हैं, और बस अब हमारी बारी थी कि हम जाना चाह रहे हैं खाने की तरफ, और बहुत ही ठंड है, बाहर को निकला नहीं जा रहा था, तो सब लोग खाने की तरफ जा रहे थे, और मैं सिर्फ खाने पे दावत में आती जरूर हूँ और मैं खाना खाती नहीं हूँ, तो ज्यादा ही मुझे उस खाने शादी के खानों से मुझे थोड़ी सी वो हो रही है, क्योंकि ज्यादा ही दावतें मिल रही हैं तो मैं खा नहीं पाती हूँ। तो बस ये आज का मेरा छोटा सा एक व्लॉग था, ये भी दिखाना था कि बीच में देखिए एक बारात ये आई थी, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।